नमस्कार साथियों, आपकी गाय भैंस चारा कम खाती है, भूख भी कम लगती है, पानी भी कम पीती है और जुगाली भी प्रॉपर नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या समाधान करना चाहिए? दोस्तों, आजकल इस तरह के केस फील्ड में काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि पशु प्रॉपर खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है और उसे जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी भी नहीं पी रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जिस प्रकार से आपकी गाय भैंस चारा कम खा रही है, भूख भी कम लग रही है, या कभी खा लेती है या कभी चारा छोड़ देती है और रेगुलर जुगाली भी नहीं कर रही है, इस तरह से पशु आपका कम पानी पीता है, जितना पानी उसको पीना चाहिए उतना पानी पी नहीं रहा है, उसकी वजह से कई बार बड़ी दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जब पशु रेगुलर पानी पीता रहता है तो वह स्वस्थ रहता है, और जब वह पानी कम पीता है या पीता नहीं है तो वह धीरे धीरे डिहाइड्रेशन का शिकार होने लगता है। उसके बाद पशु में पेट बंद या कब्ज की भी शिकायत हो जाती है, जिससे आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की यदि पशु में स्थिति होती है तो आपको आसानी से ही आप अपने पशु का इलाज कर सकते हैं और आपका पशु तुरंत ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपने पशु का आहार चेंज कर दिया है या नई तुड़ी पशु को दे रहे हैं, तो उस नई तुड़ी की वजह से पशु का डाइजेशन है वह प्रॉपर काम नहीं करता है या अदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जिस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि हम पशु को नई तुड़ी देते हैं तो वह कई बार ओफीड भी हो जाता है, यानी वह चारा खाना पीना भी छोड़ देता है, और कई बार तो इस प्रकार की स्थिति होती है कि जब चारा छोड़ता है तो उस स्थिति में पशु को अफारा भी आने लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पशु की डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग भी कौन सी देनी है? दोस्तों डीवर्मिंग भी आपको ऐसी देनी है जो पशु पर प्रॉपर वर्क करे। तो दोस्तों जिस तरह से जो ब्लू डोर बोलस आती है, VHPL कंपनी की आती है, तो वो आपको देनी है। चाहे दोस्तों आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो यह बोलस बिल्कुल सेफ है। इस बोलस में जिस प्रकार से डोरामेक्टिन साल्ट आता है, तो आप यह बोलस आप अपने पशु में जरूर यूज करवाएं। दोस्तों यह बोलस आपको देने के बाद पशु को कम से कम 2 या 3 घंटे तक पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, उसके बाद ही आपको पशु को कोई दाना मिश्रण या आहार दे सकते हैं। दोस्तों यह बोलस आपको पशु को में क्या काम करती है, जिस तरह से आपके पशु में किसी भी तरह के इंटरनल पैरासाइट होते हैं उनको मारकर शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, इसी तरह से दोस्तों एक्सटर्नल पैरासाइट है यानी जू है, चिंचड़ है, तो उनको भी थोड़ा कंट्रोल करने का काम करती है। यदि आप यह बोलस पशुओं में यूज करवाते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से दोस्तों इस बोलस की डीवर्मिंग आपको एक ही बार करवानी है, यदि दोस्तों आपने पशु की डीवर्मिंग कराए हुए 20 दिन या उससे भी कम दिनों में आपने डीवर्मिंग करवाई है तो आपको डीवर्मिंग नहीं करवानी है। यदि आपको डीवर्मिंग कराए हुए 1 से 2 महीने निकल चुके हैं तो आप फिर दोबारा से डीवर्मिंग करवा सकते हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है चाहे आपका पशु नॉन प्रेग्नेंट है, तो यह बोलस बिल्कुल सेफ है, तो आपको यह डीवर्मिंग जरूर करवानी चाहिए। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, जिस तरह से जो सेंधा नमक आता है यानी काला नमक आता है, तो आपको उसको भी जरूर यूज करवाएं। तो दोस्तों यह आपको कैसे देना है, जिस तरह से सेंधा नमक की डली आती है 1 kg या 2 kg की, वह आपको
जहां पर भी पशु को चारा दाना मिश्रण देते हैं या आप जहां पर पशु को तुड़ी वगैरह डालते हैं उस स्थान पर आप रख दें, क्योंकि जिस तरह से आपका पशु चारा खा रहा है तो वह साथ साथ में ही नमक की डली को भी चाटता रहेगा, जिस वजह से पशु का डाइजेशन भी सही प्रॉपर काम करता रहेगा और पशु प्रॉपर मात्रा में खाता पीता रहेगा। दोस्तों, यदि सेंधा नमक का पशुओं में आप यूज करवाते हैं तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। जिस तरह से पशु का पाचन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह सही रहती है। जिस तरह से आपका पशु कई बार अखाद्य वस्तुएं खाने लग जाता है या उसका पाचन सही नहीं हो पाता है, तो इस तरह की दिक्कत में भी यह सेंधा नमक कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आपको जिस तरह से या सेंधा नमक या काला नमक मिल जाए तो आप पशुओं में जरूर यूज कराएं। साथ में ही आपको एक पाउडर बता रहा हूं, यदि आपको रिजल्ट लेना है तो आप यह जरूर यूज कराएं। जैसे दोस्तों, डाइजामेक्स पाउडर आता है जो एनमेक्स फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो आप अपने पशुओं में यूज जरूर करवाएं यदि आपको इस तरह के केस मिल रहे हैं तो। दोस्तों, जिस तरह से यह पाउडर डाइजेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यह उसको कंट्रोल करता है। यह पाउडर आप 20 ग्राम पर डे के हिसाब से अपने पशुओं को दे सकते हैं, और यदि आपके पशु में ज्यादा दिक्कत होती है तो आप इसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पाउडर से पशु का डाइजेशन सही रहता है और रूमन की पीएच और मूवमेंट भी सही रहता है और उसका कंट्रोल करता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक पाउडर और जरूर देना है। जिस तरह से लेटिफर अल्ट्रा आता है, यह केरस कंपनी का आता है, तो दोस्तों ये इसके अंदर लाइव इस्ट पाउडर है, इसका भी आप यूज करा सकते हैं। इसके अंदर 17.5 ग्राम के पाउच आते हैं, यह एक पाउच आपको सुबह के टाइम और एक पाउच आपको शाम के टाइम लगातार 3 दिन तक दे सकते हैं। यह पाउडर आप या तो कोई दाना मिश्रण में मिलाकर दे सकते हैं या आप सीधे डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं। आप यह पाउडर देते हैं तो आपके पशु में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से दोस्तों आपका पशु चारा कम खाता है, जुगाली कम करता है, पानी कम पीता है, तो इस तरह के केस में यह पाउडर आप मिलाकर देंगे तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नई टॉपिक पर। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।